कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। नाक है तो सांस लिए बगैर रहेंगे, आंख है तो देखे ही रहेंगे, कान है सुने हुए बगैर रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए कर्मधारा को रोकने की कोशिश नहीं करना जो सन्यासी करते हैं। क्या करना है? कर्म करते हुए भी ऐसी बाप की गहरी याद हो जो कर्म का प्रभाव ही न पड़े। लौकिक कर्म की बात है, कर्म अलौकिक हो जाए। और 1986 से लेके 2012 तक 36 साल होते हैं और 98 से लेके 2012 तक 14 साल होते हैं, तो 14 साल का वनवास और 36 साल 76 से 12 तक 36 साल का इसका कनेक्शन 2036 से कैसे है? आपने बॉम्बे की वार्तालाप में एक डिस्कशन हुआ था तब ये इसका किया था तो समझ में ठीक से नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? कि 2012 से 2076 से 2012 में 36 वर्ष हो जाते हैं। है? 76 से 2012 में 36 वर्ष हो जाते हैं तो, और उसका 2036 में का आपने बोला था कि शूटिंग पीरियड जिसका 2012 में होगा। शूटिंग पीरियड 2012 में होगा? 98 से 2012 तक में 14 साल हो जाते हैं। वो तो पांडवों के वनवास की बात है, राम के वनवास की बात है, जो पांडवों को और राम उनके साथियों को कांटों के जंगल में चक्कर काटने पड़ते हैं। 14 साल खत्म हो गए तो कहाँ खत्म हो गए? 12 खत्म होते हैं तो 13वां साल आता है गुप्त, गुप्त वनवास। और नर्मदा नदी उल्टी क्यों बही? नर्मदा नदी उल्टी क्यों बही? घूमती उल्टी क्यों बही? उल्टी थोड़े ही बहती है, पहाड़ों से आती है और सागर में जाती है। सभी नदियां क्या करती हैं? है, पहाड़ों से आती है सागर में जाती है। हाँ, नर्मदा ताप्ती नदियां हैं, वो पूर्व के पहाड़ों से निकलती है और पश्चिम के समुद्र में गिरती है। और गंगा यमुना सरस्वती वगैरह पश्चिमी पहाड़ों से उतरती है और पूर्वी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका भी रहस्य है, क्यों नहीं है? वो पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देने वाली है। नर मादा कौन है? नर मादा का पार्ट बजाने वाली नदी है नर्मदा, है जगदम्बा। वो जगत की अम्बा है या सिर्फ भारत की अम्बा है? है, हाँ, जगत की अम्बा है। तो जगत की अम्बा होने के कारण उससे ज्यादा बच्चे जो हैं वे विदेशियों की पैदाइश होती है या स्वदेशियों की पैदाइश होती है? विदेशियों की ढेर पैदाइश हो जाती है जगदम्बा से। और भारत माता से भारत के बच्चों की पैदाइश होती है, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं है? ये फर्क पड़ जाता है। वो पूर्वी सभ्यता से आती है जगदम्बा और किधर जाती है?
पश्चिमी सभ्यता की ओर जाती है, ले जाती है बहा के, और गंगा पश्चिम से आती है, विधर्मियों से आती है। सन्यासियों को क्या कहेंगे, विधर्मी या स्वधर्मी? विधर्मी, नकुल हैं, विदेशियों के बन गए या भारतवासियों के बन गए सन्यासी? विदेशियों के बन गए। सतो प्रधान थे तब समाया, या अभी तमो प्रधान बन गए तब थमाया? सतो प्रधान थे तब थमाया, और अब? हाँ, अब तो किसको थमाने जा रहे हैं? विदेशियों को समाने के लिए विदेश में चक्कर काटते हैं या भारत में चक्कर काटते हैं? विदेशों में चक्कर काट रहे हैं। तो विधर्मी भी हो गए, विदेशी भी हो गए। तो पश्चिमी सभ्यता से गंगा आती है। गंगा की पूजा कौन करते हैं ज्यादा? सन्यासी। पश्चिम से आती है और पूरब की ओर जाती है, पूरब की ओर बहा कर ले जाती है। तो गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। और बाबा, शिव बाप जो है वो स्वर्ग में, स्वर्ग की रचयिता है, तो स्वर्ग में क्यों नहीं आते? धर्मों का लेप छेप नहीं लगता है? शिव बाप स्वर्ग का रचयिता है या शिव बाप मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में प्रवेश करने के बाद रचयिता है? ये अंतर है, कर्मों का लेपक्षेप नहीं लगता। अरे, प्रवेश करने के बाद प्रवेश करने वाले में लेपक्षेप लगता है या शिव बाप में लगता है? संकल्प तो शिव बाप के रहते हैं। जब प्रवेश करता है तो आत्माएं दो हो गई कि एक है? शूटिंग दोनों के हिसाब से होगी या एक के ही हिसाब से होगी? है, दोनों के हिसाब से होगी। कभी नरक की शूटिंग होती है, कभी कभी स्वर्ग की शूटिंग होती है। कभी शुद्ध संकल्प चलते हैं ब्रह्मा के संकल्प से नई सृष्टि रची जाती है, कभी अशुद्ध संकल्प चल पड़ते हैं तो पुरानी सृष्टि की शूटिंग होने लग पड़ती है। तो नरक या स्वर्ग दोनों को बनाने का जिम्मेवार निमित्त कौन हुआ? शिव बाप हुआ या मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ? है, मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ, उसको ही रचयिता कहेंगे। शिव बाप रचयिता नहीं है, न उसकी रचना है। वो रचयिता तब बनता है जब मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में प्रवेश करता है, तब नई सृष्टि का पहला पत्ता राधा कृष्ण तैयार होता है, वो रचना है। नई सृष्टि की पहली पहली रचना, उसको रचने वाला कौन हुआ? शिव बाप हुआ या मनुष्य सृष्टि का साकार बाप हुआ? साकार बाप हुआ। मगर एक जगह शास्त्रों में दिखाया कि कृष्ण की पुत्री सूर्य पुत्री को बताया है, सूर्य पुत्री को कृष्ण की पुत्री बताया है, वो कैसे बाबा? शास्त्रों में कृष्ण का जीवन चरित्र
ज्ञान सूरी का शिव बाबा का जीवन चरित्र है या कृष्ण का जीवन चरित्र है? है तो शिव बाबा का, शिव बाबा ही तो ज्ञान सूर्य है। नाम ले लिया कृष्ण का और भक्ति मार्ग में गणेश को हाथी का सर दिखाया, इसमें बेहद का क्या? हाथी का सर दिखाया है माने उनकी बुद्धि जो है ना वो हाथी की तरह काम करती है। हाथी का मस्तक बुद्धि चौड़ी होती है या छोटी होती है? है चौड़ी होती है, विशाल बुद्धि होती है। दूसरा पुत्र है उनका, दूसरा भाई है, उसकी विशाल बुद्धि नहीं है तो उसने निवृत्ति मार्ग अपना लिया, बाप को फॉलो नहीं किया। और गणेश ने है बाप को फॉलो किया, बाप की परिक्रमा झटाझट लगा दी। कान बड़े बड़े दिखाए जाते हैं हाथी के, तो सबसे ज्यादा ज्ञान कौन सुनता है? है गणेश सुनता है। उतनी आंखें बड़ी नहीं होती हैं, बड़ी होती हैं क्या? नहीं, लेकिन उनमें मद बहुत बड़ा होता है, मदमाती आंखें होती हैं, जैसे बहुत नशा चढ़ा हुआ हो। और सारा काम किससे करता है? सूंघ सूंघ के करता है, सूंघने की शक्ति बहुत तीखी होती है। हाथों का भी काम सूंघ से कर लेता है। और राजाओं को ज्यादा करके ब्राह्मण ही मंत्री को दिखाते हैं, उसका बेहद ना दिखाया, जो मंत्र लेते हैं तो राजा ब्राह्मण से ही लेते हैं। शूटिंग पीरियड में जो पवित्र रहने वाले ब्राह्मण हैं वो अच्छी मंत्रणा देते हैं, या अपवित्र रहने वाले शूद्र अच्छी मंत्रणा देते हैं? है पवित्र रहने वाले जो ब्राह्मण हैं वो अच्छी मंत्रणा देते हैं। जैसे नारायण दुनिया का सबसे बड़ा राजा है, तो जो सर्वोत्तम राज्य करने वाला नारायण है वो सर्वोत्तम राज्य कब शुरू कर पाता है? जब लक्ष्मी जैसा ब्राह्मण उसको मिल जाता है। बड़े से बड़ा ब्राह्मण है तो सारे विश्व को कंट्रोल कर लेता है। तो परंपरा पड़ गई कि ब्राह्मण पवित्र होते हैं, जो पवित्र होते हैं वो ही देवता बनते हैं। तो उन देव आत्माओं को ही मंत्री बनाया जाता है। और बाबा आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बाप से ज्यादा डरते हैं, और माता उनकी वो बात नहीं मानते हैं, और मतलब बाप अगर गलत भी बोल दे तो डर जाएंगे, कुछ जवाब नहीं देते, और माँ को दबाते हैं बच्चे, ऐसा क्यों? क्योंकि गीता का भगवान, गीता माता का भगवान कृष्ण बच्चा बन जाता है। तो दुनिया का जो पहला पत्ता है वो ही का ये हाल हो जाता है, तो सब पत्तों का ये ही हाल होता है कि जितने भी बच्चे हैं दुनिया में
वो सब अपनी माता के ऊपर हावी हो जाते हैं। माता के ही गीतापति भगवान बन के बैठ जाते हैं, माता को ही अपने कंट्रोल में चलाने लग पड़ते हैं। और चलाने भी कब पड़ते हैं? कब चलाने लग पड़ते हैं? जब माता बच्चे को प्रेफरेंस देती है तब चलाने लग पड़ते हैं, या पति को प्रेफरेंस देती है? है माता ही बच्चों को प्रेफरेंस देती है मोह में आकर के, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। ज्यादा मोह माताओं में होता है या बाप में होता है? माताओं में ज्यादा मोह होता है, उस मोह के कारण ही गोचा खा जाती है। बच्चों को ही कंट्रोल में चलने लग पड़ती है, तब नरक की दुनिया आती है या स्वर्ग की दुनिया आती है? है नरक की दुनिया आती है। उन माताओं ने कौन सी माता को फॉलो किया? जगदम्बा को फॉलो किया। जगदम्बा भी ऐसा पार्ट बजाती है कि सारे जगत की माताएं जगदम्बा को ही श्रेष्ठ समझती हैं और उसी को फॉलो करने लग पड़ती हैं। बच्चों के कंट्रोल में चलने लग पड़ती हैं। षष्ठी रूपी परिवार में बच्चों का शासन चल पड़ता है, बाप गुप्त हो जाता है, जैसे होते हुए भी नहीं है। तो बाप इसका रिजल्ट दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट दुर्गति में जाने का होगा या सदगति में जाने का होगा? है सारे ब्राह्मण परिवार के बच्चे कहां चले जाते हैं? दुर्गति में चले जाते हैं, क्योंकि माया जगदम्बा से हाथ मिलाए लेती है। जगदम्बा ही प्रकृति का रूप कही जाती है, माया जो काम नहीं कर पाती है। तो सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तिवान बच्ची, पहले सरेंडर कौन होती है? माया। इसलिए सर्वशक्तिवान बन जाती है, फिर भी बाप के बच्चों के ऊपर विजय नहीं पाती, तब क्या करती है? तब माया प्रकृति से हाथ में, बड़ी चतुर है और उसका काम पूरा हो जाता है। और बाबा हमारे मेरे ज्ञान समझ में आता है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता, तो होगा कि नहीं होगा? प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है। जितना जितना प्योरिटी के ऊपर दृढ़ रहेंगे उतना उतना प्रैक्टिकल जरूर होगा। प्योरिटी की बातों में दृढ़ नहीं रहेंगे, दृढ़ता नहीं आएगी, तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकेगा। बाबा जैसे बताया 2012 के बाद 13 पांडवों का अज्ञातवास शुरू होगा, तो क्या अज्ञातवास में साकार बाप भी गुप्त हो जाएगा? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, तो वो तेरा कौन है? तेरा किसके लिए कहा? प्रजापिता के लिए कहा। तो पहले तो पांडवों के रूप में कांटों के जंगल में चक्कर लगाने वाला 5 पांडव होते हैं
जिनको तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, या बाप पांच पांडवों का पार्ट बजाता है? है? कोई पांच पांडव हैं जिनको तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते? अभी हैं कि सबको अपना अपना घर है दुबक जाने के लिए? है, सबको है तीन पैर पृथ्वी के, सबको मिले हुए। एक बाप ही है जिसको तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, तो सारे पांडवों का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा कौन हुई? है, राम वाली आत्मा। तो बाबा इतने दिन नहीं, आप तो यज्ञ में तो कई धर्मों की आत्माएं हैं, तमो प्रधान तो नहीं आएगी इसमें क्या? तो नहीं आ रही है क्या? सतो प्रधान तो आ रही है। अरे बहुत ज्यादा आएगी। बच्चों की स्थिति बिगड़ेगी? बच्चों की स्थिति बिगड़ेगी, बच्चों की स्थिति तो बिगड़ेगी, लेकिन जो बच्चा दृढ़ता को फॉलो करेंगे, दृढ़ता को अपनाएंगे, उनकी स्थिति बिगड़ेगी या सुधरेगी? वो कितने निकलेंगे? है? अरे कितने गाये हुए हैं? आठ नहीं गाये हुए हैं, पांच गाये हुए हैं पहले, पांच पांडव। और 2036 में पूरी पढ़ाई हो जाएगी। 2036 में पूरी पढ़ाई हो जाएगी। कौन सी पढ़ाई? बाप की पढ़ाई हुई पढ़ाई? बाप क्या पढ़ाने आता है? राजयोग का ज्ञान पढ़ाने आता है, राजाई की पढ़ाई पढ़ाने आता है। तो राजाई की पढ़ाई तब पूरी होती है जब राजधानी पूरी स्थापन हो जाती है। इसलिए बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। ये 500 करोड़ की दुनिया की बात है या बाप के बच्चों की बात है? है, बच्चों की बात है। बच्चे राजा बच्चे हैं जो राजाई की पढ़ाई पढ़ के राजा बनते हैं। तो बच्चे संपन्न बनते हैं तो राजधानी भी पूरी स्थापन हो जाती है। जब पूरी राजधानी स्थापन होगी तब पूरा पुरजोश से विनाश शुरू होगा या पहले ही शुरू हो जाएगा? है, पूरा विनाश तो तब शुरू होगा पुरजोश से, जोश खरोश से विनाश तब शुरू होगा जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। ओम शांति। लो। हाँ जी, बाप दादा के रथ को दादी कहती थी कि रास्ते चलते चलते फंस गए, ये तो गलत बात हो गई। कोई परमात्मा ने बोली है या ब्रह्मा बाबा ने बोली है, जो सही होगी। सही कौन बोलता है? एक बाप सही है और बाकी तो सब झूठ खंड के झूठ बोलने वाले हैं, तो कुछ ही भी बोले। और शंकर का
अरे बाप भी विचित्र तो बच्चे भी विचित्र। तो दादी बाहर हैं क्या? नंबर वार विचित्र हैं कि एक जैसे विचित्र हैं? नंबर वार हैं। और है मनुष्य है ना वो, हाँ तो मुरली में बात करने की कैसी अथॉरिटी है फिर? मुरली में बात क्या, तो दूसरे ने कही, सच्ची बात कही, दूसरे ने जो बात कही वो छापने वालों ने छाप दी, बाप दादा ने थोड़े ही कही, और बाप दादा की वाणी मुरली थोड़े ही है, वो तो अव्यक्त वाणी है। और सबसे जास्ती ज्ञान अष्ट रत्नों में होता है, तो अष्ट रत्नों में नहीं नहीं अष्ट देवों में होता है। और बड़ी मम्मी तो सबसे ज्यादा ज्ञान सुनाती है, छोटी माँ तो सबसे ज्यादा ज्ञान सुनाती है, और छोटी माँ तो अमृत पिलाने का काम, देवता बनाने का काम करती है, तो फिर बड़ी माँ और छोटी माँ को ज्यादा ज्ञान सुनाते हैं ना वो, अष्टदेव सुनाते हैं या बड़ी मां? इन दीदी दादियों का श्रृंगार किसने किया है? रत्नों ने क्या, अष्टदेवों ने? हाँ, तो जो श्रृंगार करने वाले हैं वो असली ज्ञान सुनाने वाले हैं, या जो सिर्फ सुनाने वाले हैं वो सुनाने वाले हैं? देवता बनाने वाले हैं ना, जो प्रैक्टिकल वे बनाते हैं वो असली ज्ञान देते हैं, या जो सिर्फ सुनाते हैं वो असली ज्ञान देते हैं? जो प्रैक्टिकल वे बनाते वो असली ज्ञान दे, इसलिए चेहरा और चलन, इससे सेवा करने वाले प्रैक्टिकल ज्ञान देने वाले हैं, भाषण करने वाले प्रैक्टिकल ज्ञान देने वाले नहीं है। और एक बोलने वाली है एक प्रैक्टिकल करने वाली है, अंतर नहीं है? बोल बोल करना अच्छी बात है या प्रैक्टिकल करना अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है? प्रैक्टिकल करना अच्छी बात है। एक गरजते हैं एक बरसते हैं, फायदा किसमें है? गरजने में फायदा थोड़ा ही है। और बाबा जगदम्बा पुरुष है रुद्र माला का मंत्रा, और स्त्री है तो सन्यासी के प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो अम्बा, अम्बा माने जो जगत की माताएं हैं वो ज्यादा प्रभाव में आती हैं, ये पुरुष ज्यादा प्रभाव में आते हैं, और माताओं की भी माता कौन है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव में कौन आवेगी है? जगदम्बा ही सबसे ज्यादा प्रभाव में आने वाली हुई। सन्यासी के क्यों? क्योंकि सन्यासियों में मुख्य पार्ट गंगा का है, ये बोला है जब गंगा और उसके फॉलोअर्स अर्थात सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, तो लाजिमी है कि रुद्रमाला की जो मुखिया है, माताओं में मुखिया है, वो प्रभावित होनी चाहिए। और बाप तो सन्यासियों का भी बीज है, बीज माना बाप, उसको तो प्रभावित होने की बात है ही नहीं।
भगवानी ने बोला कि ब्रह्मा बाप और जगदम्बा यूपी में थे। हाँ ज्यादा है, आना जाना हुआ यूपी में, दिल्ली और बंबई के अलावा सबसे जास्ती आना जाना ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का यूपी में हुआ। बाप और जगदम्बा का तो ठीक है, ब्रह्मा का कैसे? दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं है? वो भी आते जाते थे। हाँ और पिछले साल सारी अव्यक्तवाणी रिपीटेशन ही तो हो रही है, अब क्या सुनावे? धारणा धारणा की बात तो देव आत्माएं सिखाती हैं, धारणा सागर नहीं है। सागर के रतन है, लेकिन ज्ञान तो बाप सुनाते हैं। ज्ञान तो सागर है, तो अंतर पड़ जाता है। आदि ही रतन और आदि स्थापना सिंध में हुई। तो आदि तो अंत कैसे होगा? सिंध में नहीं हुई, सिंध हैदराबाद में हुई। वो था पाकिस्तान का हैदराबाद और ये है दक्षिण हैदराबाद। हाँ जी। और दुनिया के लोगों को जब ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान में मुख्य आती है विनाश की बात, स्थापना की बात, पालना की बात। तो सबसे ज्यादा डर किस बात में पैदा होता है? हैं? विनाश में। तो नाम क्या है? हैदराबाद। वो डरेगा तो वो पहले विनाश होगा। ब्रह्मा को दादा लेखराज को जब विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लगे। तो क्या कहेंगे, डर आबाद है या नहीं है? डर है आबाद। ब्रह्मा तो चले गए, अब कौन रह गए? ब्रह्मा के फॉलोअर्स रह गए। तो उनको जरूर डर आबाद है। क्योंकि स्थापना में न ब्रह्मा आए और न ब्रह्मा के फॉलोअर्स आएंगे। सब नहीं आएंगे, कुछ चुने हुए फॉलोअर्स हैं जो आवेंगे, बाकी ज्यादा तादाद तो ऐसों की है जो विनाश में खेल खलास हो जाने वाले हैं। ब्रह्मा के फॉलोअर्स
चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्धी वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं, सन्यासी हैं, सिख हैं, सब धर्म वाले हैं। सब नई दुनिया में आवेंगे या खलास हो जावेंगे? हैं? सब खलास हो जावेंगे। कौन बचेंगे ना? सिर्फ चंद्रवंशी बचेंगे, जिनकी तादाद बहुत कम है वो चंद्रवंशी बचेंगे, जो अपने को सूर्यवंशी में कन्वर्ट कर देंगे सूर्यवंशी बन जाएंगे, बाकी तो सबको है डर। आबाद तो आदि स्थापना भी थे और अंत में भी रहेंगे तो जरूर। बाबा, नव धर्म ममता को में स्पष्ट दिखाई देंगे तो परम धाम सब बनेगा। परम धाम में धर्म नहीं है? नहीं है। नौ सेक्शन अलग अलग नहीं है? दिखाई देते हैं ना। तो जो प्रैक्टिकल परम धाम बनेगा उसमें भी नौ सेक्शन अलग अलग दिखाई देंगे। सबकी स्थिति अलग अलग होगी कि एक जैसी होगी? अलग अलग होगी। एक चूल्हा का वो है, एक चूल्हे खाना बनेगा साढ़े चार आठ नौ, वो याद रूपी खाना बनेगा। आत्मिक स्थिति वाले होंगे कि दामा खाने वाले होंगे? हैं? आत्मिक स्थिति वाले होंगे। बाबा, मंत्री की माँ जो है शुक्रवंशी की माँ, रुद्रमंत्री की माँ है, रुद्रमंत्री की माँ है, रुद्रवंशी की माँ। हाँ, हाँ। साढ़े चार लाख की है क्या? नौ लाख की है माँ। रुद्रवंशी की माँ तो जगदम्बाई है, रुद्रमंत्री। हाँ, साढ़े चार लाख मंत्री की माँ है क्या? नौ लाख की। बिल्कुल नौ लाख मंत्री की है। नहीं, सब धर्मों के बीज है ना, तो सब धर्मों की जो बीज है माता, वो जगदम्बा हुई ना। बीजों की अम्बा माना सारे जगत की अम्बा। अगर हम जो साकार परम धाम की बात करें ना अपने, तो इससे कनेक्ट कर पुरानी मूवी में बात आई है कि ऊंच के ऊंच भगवान है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है जगत पिता जगदम्बा। तो निराकर आत्माओं का जो झाड़ बनाया हुआ है उसी में भी यही क्रक्स दिया हुआ है कि ऊपर में निराकर शिव, फिर त्रिमूर्ति, फिर उसके नीचे जगत पिता जगदम्बा की आत्मा है। तो साकार परम धाम में भी इसी सिस्टम से होगा क्या? और कौन सा हो? जो निराकार में है उसका प्रैक्टिकल रूप साकार में है। फिर बाबा साकार परम धाम में फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर जगत पिता जगदम्बा कैसे दिखाएंगे? क्यों? क्योंकि त्रिमूर्ति में तो जो तीन बिंदु दिखाए है उसमें ब्रह्मा का बिंदु फिर जगदम्बा है, जो शंकर का दिखाया है तो साकार में शिव बाबा है, वही नीचे जगत पिता जगदम्बा। तो क्या हुआ? वो सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर मनन चिंतन मंथन की स्टेज है, बाद में साकारी स्टेज वासी है। और कहने का मतलब साकारी परम धाम का जो मॉडल बनेगा मधुबन में, उसमें तो इस तरीके से नहीं दिखाया जा सकता,
स्टेज की बात है, वो स्टेज की बात है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो निराकारी और आकारी स्टेज बनेगी वो स्टेज और किसी की नहीं बन सकती। जब मंथन हुआ, सागर मंथन हुआ तो विष निकला, वो विष शंकर ने पिया तो उनके बच्चों को भी पीना होगा क्या? माने इच्छा हो रही है कि शंकर जैसा काम करता है तो हम भी करें। तो विष माना क्या? विष माना व्यभिचार। क्या? एक होता है व्यभिचार, वो है अमृत, और एक होता है व्यभिचार। अमृत जहां पीते हैं उस दुनिया को कहा जाता है अमर लोक, देवलोक, वहां देवताएं अमर रहते हैं क्योंकि अमृत पीते हैं, और जो विष पीते हैं वो अमरलोक का उल्टा है। क्या है? अमरलोक का उल्टा क्या हुआ? मृत्युलोक। घड़ी घड़ी मरते रहते हैं, घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। जहां अमरलोक होता है वहां मृत्युलोक नहीं होता, जहां मृत्युलोक होता है वहां अमरलोक नहीं होता। नरक के बीच स्वर्ग की सौगात देने आया हूं तो उस नरक की दुनिया के बीच में ही एक ऐसा लोक होगा जहां अमर होंगे, मृत्यु लोक के वासी नहीं कहे जाएंगे, घड़ी घड़ी अनिश्चय में नहीं आएंगे। मृत्यु लोक में क्या होता है? घड़ी घड़ी अनिश्चय में आते हैं। अभी हम मृत्यु लोक में हैं या अमर लोक में हैं? अभी कहेंगे मृत्यु लोक में। एक है अमरनाथ, उसको निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आना पड़ता, बाकी सब है मृत्यु लोकवासी। और बिना बाप की पहचान के सेवा चलती है क्या? सेवा तो वही है जहाँ बाप की पहचान दी जाए। ज्ञान की सेवा है, पहचान की सेवा है। अगर बाप की पहचान ही नहीं है तो सेवा है, ज्ञान है या भक्ति है? है भक्ति है। अगर भक्ति है तो नीचे गिरना है या ऊपर उठना है? तो नीचे गिरना, सेवा कहाँ हुए? वो तो डिसर्विस हो गई। तो जिन भी केस को बाप की पहचान ही नहीं है वो सेवा कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं माने नीचे डूब रहे हैं और डुबो रहे हैं। अफ्रीका ने असली सेवा को शुरू की है,
और क्रिश्चियन धर्म की आत्मा आखिरी जन्म में बाबा के साथ कैसे घूमती है? आखिरी जन्म में क्रिश्चियंस को यादव कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? और कृष्ण का जन्म कहाँ होता है? यादव कुल में होता है। तो ठीक घूमती है कि गलत घूमती है? है? ठीक घूमती है। कोई किसी को श्रीमत या नियम ऐसा बोल करके रुला देता है कि ये श्रीमत है, ये नियम है, ये ईश्वरीय कानून है, ऐसा बोल बोल के रुला देता है, तो ये दुख देना हुआ ना। उनको क्या सजा मिलेगी? सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? है? मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ, बोलने बोलने में, बताने बताने में तरीके का फर्क हो सकता है। एक तो प्यार से बताना होता है और एक लाल लाल आंखें करके बताना होता है। तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ जाएगा। और बोला ना कि पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा करो, पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा करो, पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा करो, तो पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा करो कि ईश्वरीय धंधे के लिए पेट पूजा करो? ईश्वरीय धंधा के लिए पेट पूजा करो या पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा करो? ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं? पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा करती हैं। 36 प्रकार के भोग मिलेंगे, खूब खूब मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा धन मिलेगा, तो बढ़िया बढ़िया खाओ। तो ये पेट पूजा के लिए ईश्वरीय धंधा हुआ है? उसका उल्टा है। ईश्वरीय धंधा करना है इसलिए जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो पेट पूजा भी करनी है। तो उसमें तो पैसा नहीं कमा सकते ना? पैसा पैसा स्वतः ही आता है ईश्वरीय धंधे में, कमाने की क्या दरकार? शिव का भंडारा भरपूर कालकंटक दूर, कमाने की क्या बात आ जाती है? इनसे ज्यादा कमाई कमाने वाला तो दुनिया में कोई होगा नहीं। ये जितने रईस बनेंगे, जितने साहूकार बनेंगे, उतना दुनिया में कोई बनने वाला नहीं है। सारे विश्व का सोना चांदी गहना सब किसके हाथ में आ जाएगा? बाबा के बच्चों के हाथ में आ जाएगा। सारे विश्व की बादशाही ही किसके बाप में आएगी? बाप के बच्चों के हाथ में आने वाली है। तो सब धंधों में है नुकसान और ईश्वरीय सेवा में नुकसान की बात ही नहीं। संगम युग में ही ये सब इन आंखों से देखेंगे। जो आज के बड़े बड़े धंधे वाले हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। और आज के अभ्यक्तवाणी में वारिस क्वालिटी की सेवा करने के लिए अभ्यक्त बाप दादा ने कहा है और कहा है कि बाप के सामने वारिस क्वालिटी लाओ है। मतलब क्या कहना चाहते हो, किस टाइप की आत्मा है? वारिस क्वालिटी राजाएं हैं या प्रजा वर्ग है?
और राजा बनने वाली आत्माएं रुद्रमाला में है या विजयमाला में है? रुद्रमाला में राजा बनने वाली आत्माएं हैं, वो निकलेंगी तो विजयमाला के भी निकल आएंगे साथ साथ में। ऐसी आत्माओं को सामने लाओ, बाप दादा के सामने। बाप दादा के सामने वो कहां लाओ है? कहां लाओ? माउंट आबू में लाओ। वो एडवांस पार्टी में है, कहां है? एडवांस पार्टी में। है नाम क्या था माता जी का? जी जय भाई के मर्जा जी भाई है जीजा जी। तो जीने का दान, जीए दान कौन देगा? माता ही देती है। लक्ष्मी माता निकलती है तो जीए दान मिलता है। और बाबा लक्ष्मी का वहाँ उल्लू है ना, तो उस पर तो दिखाते नहीं उसको कभी है? फोल्लू को दिखाया चाहिए, जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी किसके ऊपर सवारी करती है, है? चलन और चेहरे से कैसे सवार सेवा करनी है? चेहरा कैसा बनाना है? है हर्षित मुख, जो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्मी नारायण का जैसा चेहरा हर्षित मुख है, सदैव हर्षित मुख दिखाई दे, वो कब बनेगा? खुशनुमा चेहरा तब बनेगा जब पहले निराकारी बनेंगे। निराकारी बनेंगे तो बाप समान बनेंगे, और बाप समान बनेंगे तो बाप क्या बनावेगा? नारायण ही बनावेगा। नारायण समान ही हर्षित मुख बनावेगा, चेहरा ही सेवा करेगा, बोलने की दरकार ही नहीं, देखने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। और मुसलमानों ने मूर्ति पूजा खंडन की ना, मुसलमान तो पहले क्या इस्लामी मूर्ति पूजा करते थे? कौन से मूर्ति? इस्लामी जो इस्लामी धर्म था, जब मोहम्मद आए 1400 साल पहले, इस्लाम धर्म वाले 1400 साल पहले, माना द्वापर युग के शुरू से मूर्ति पूजा करते रहे, जहाँ भी रहे। कौन सी मूर्ति की पूजा? सभी मूर्तियों, सभी देवताओं की पूजा, बेबिचारी पूजा करते रहे। हाँ, तो वो बेबिचारी पूजा करने वाले इस्लामी थे। सबसे जास्ती बेबिचार किसने सिखाया? इस्लामी ने सिखाया। चंद्र को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान छूटे ग्रहण, परंतु चंद्रमा तो अधूरा होता है। अधूरा होता है इसीलिए तो दे दान, ताकि पूरा हो जाए। अधूरा होता है तो 16 कला संपूर्ण नहीं कहा जाएगा।
याद का दान देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 कला संपूर्ण बन जाएगा। और रुद्रमाला के संस्कार रुद्रमाला का मणका है। हाँ जीजा भाई जिलाने का काम करती है कि मारने का काम करती है? है जिलाने का काम करती है, जिंदा रखने का काम करती है। ज्ञान में जिंदा रहे या मर जाए, जिंदा रहे। माँ काली के क्या काम करती है? है माया ने प्रकृति से हाथ मिलाई लिया तो क्या काम करती है? प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी तो क्या काम करेगी? सबको खलास कर देगी। 4.5 लाख बचेंगे जो प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो बताओ कौन सी हुई जीजा भाई और कौन सी हुई मर्जा भाई? और मम्मा चले जाए प्रत्यक्ष कौन रहेगा और गुप्त कौन जो हो जाएगा? सब कुछ करके अपने आप छुपाया, ये किसका पार्ट है? अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, ये पार्ट किसका है? निराकार शिव बाबा। वो कैसे करेगा? वाह अरे पट्टे, कौन से धर्म में जाओगे? देवता धर्म नहीं जाना है। निराकार कैसे करेगा? अभी जगदम्बा के द्वारा जो पार्ट बचता है वंडरफुल पार्ट, वो भी तो सुप्रीम शिव बाबा भी उनसे बजवाता है ना। हाँ प्रेरणा से कोई कार्य होता नहीं है, ये तो याद की शक्ति है। जिस याद की शक्ति से सारे कार्य होते हैं। तो याद स्वरूप बनने की बात है। एक ही आत्मा है जो बाप समान निराकारी स्टेज में 100% धारण होती है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो कहा जाता है अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, बच्चों को प्रत्यक्ष किया, शक्तियों को प्रत्यक्ष किया और अपने को छुपा दिया। सवाल ये था मेरा, कहाँ चले जाएंगे और क्यों चले जाएंगे? अरे गुप्त हो जाएंगे, जैसे वारंट निकलता है तो क्या करते हैं? है गुप्त हो जाते हैं, चले कहाँ जाते हैं? चले तो रहे इसी दुनिया में रहेंगे। जब तक विनाश नहीं होता है तब तक रहेंगे कहाँ? इसी दुनिया में रहेंगे। छिपाया वो अपने आप को छिपाया, बच्चों को प्रत्यक्ष करना है ना। तो बोला है ना कि पर उसका बात नहीं खुलेगा, सभी डूबी जा हो जाएगी। दुनिया में ऐसे होता है, बड़ा आदमी जिसका नाम बाला होता है तो जीते जी नाम बाला होता है, जब वो चला जाता है तब नाम बाला होता है, चला जाता है तब नाम बाला होता है। तो यहाँ चले जाने की बात नहीं है, यहाँ गुप्त रहने की बात है।
और बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मी का गायन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है का गायन है, तो फिर प्रजापिता को रामा की आत्मा को प्रजापिता को राम वाली की आत्मा को प्रजापिता को राम वाली आत्मा को माने वो एक से प्यार नहीं करती है दिल से, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये बात नहीं है। राम वाली आत्मा के लिए ये बात लागू नहीं होती है कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, किसी में फंसती है क्या है? नहीं फंसती है तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? हुआ। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात भी राम वाली आत्मा पर पहले लागू होती है। हाँ, साकार के प्रति लागू नहीं होती है, निराकार बाप के प्रति लागू होती है। ओ बाबा, नींद लग जाती है और बाबा के स्वप्न आते हैं। सबको थोड़े ही नींद लग जाती है, लग जाती है बाबा, सबको लग जाती है बाबा, हमारी बात है। तो फिर बाबा के स्वप्न आते हैं और वहाँ ऐसे स्वप्न आते हैं कि बाबा वेशभूषा चेंज करके अभी मुरली चला रहे हैं, आगे चलकर ऐसा होगा वेशभूषा यानी अलग से बाबा दिखने लगे और मुरली चलाकर निकल भी जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे आगे चलकर ऐसा होगा क्या बाबा? ऐसा होगा कि बाबा वेशभूषा चेंज करके आएंगे? ये तो आपकी अपनी धारणा है, वही बाबा है कि आगे चलकर सही होगा।